Hello profiteers, welcome to our new video. Well, in this video, as you can see from the title, I'll be putting some light on ye teen stocks which are better, whose dividends are much better than your savings bank account interest rate. आपके बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है उससे कहीं बेहतर आपको ये स्टॉक्स में कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा. एंड कैपिटल एप्रिसिएशन के अलावा ग्रोथ, कैपिटल ग्रोथ भी मिलेगी प्लस डिविडेंड्स की गारंटी. सो फर्स्ट, वेरी क्विकली, फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC. बाय द वे, ये तीनों स्टॉक्स का जो प्रॉपर डिटेल वीडियो है, यू कैन फाइंड इट ऑन आर यूट्यूब चैनल द प्रॉफिट कर्व. मैंने ये तीनों स्टॉक्स को बार बार अच्छे से डिटेल में एनालाइज़ किया है, लेकिन आई गॉट देम टुगेदर इन दिस वीडियो बिकॉज मैं आपको बताना चाहता था कि काफ़ी लोग, ऑल सम ऑफ अस, मे बी मोस्ट ऑफ अस, जो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होता है वो बैंक अकाउंट में रखते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि वो बैंक में सेफ है. ओके, सेफ्टी के साथ साथ जो ग्रोथ है वो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. आप देखिए, सेविंग्स बैंक अकाउंट का रेट आपको कितना मिलेगा? मैक्सिमम 3%, 3.6, 3.75 से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा. सो द फर्स्ट स्टॉक IRFC गिव्स यू अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.5% अप्रॉक्स, और इसका करंट प्राइस है 23. अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब डेफिनेटली इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होगा. देर इज़ अ स्कोप फॉर दैट एज वेल. एंड सेकेंडली, मान लीजिए कैपिटल ग्रो नहीं भी होता हर साल, दो तीन साल में तो होगा एज़ पर इक्विटी मार्केट ट्रेंड्स, डिविडेंड यील्ड आपको पक्का है बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो पब्लिक सेक्टर कंपनी. और ये डिटेल में मैंने कवर किया है वीडियो में, ये मोनोपोली कंपनी है, रेलवे से रिलेटेड है, पी इसका कम है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है. और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अगर आप, इफ़ यू लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, द 86% इज़ विद द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आई मीन गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी स्टेक है. जैसे जैसे गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा अपना स्टेक इसमें डाइल्यूट करेगी, आपको स्टॉक प्राइस में फॉरेन फंड इनफ्लोज, DIIs, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा. तो स्टॉक अपने आप ग्रो भी कर रहा है, आपका कैपिटल प्रिंसिपल अमाउंट ग्रोथ भी है, डिविडेंड गारंटी भी है. 4.5%, दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज़ वन ऑफ आर फेवरेट पिक्स, बट अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म टेस्ट मैच काइंड ऑफ अ पिक. इट इज़ ITC, एज वी ऑल नो. ITC का डिविडेंड यील्ड देखिए 5.02, मतलब 5% है करंट प्राइस पे. अगर करंट प्राइस पे आप लमसम भी ब्लॉक करके रख देते हो तो एटलीस्ट आपके बैंक में पैसा पड़े रहने से ज़्यादा रिटर्न आपको ITC में मिल सकता है वाया डिविडेंड्स. प्लस 5% हर साल तो ये स्टॉक ग्रो करता ही है वैसे भी, तो टोटल मोटा मोटा 10-12% आपको गेन मिल सकता है. दिस इज़ जस्ट एन ऑप्शन विच आई एम शेयरिंग विथ ऑल आर प्रॉफिटियर्स फॉर एजुकेशनल पर्पजेज. एंड हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने से पहले वो डिस्क्लेमर एक बार ज़रूर पढ़ें. प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्लेमर एंड कंसल्ट योर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस. दिस कॉन्टेंट एंड ऑल अदर वीडियोज़ ऑन दिस चैनल आर फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ओनली. ITC का भी बुक वैल्यू 49 है, तो ये प्राइस टू बुक में थोड़ा ऊपर है, बट गाइज आप जानते हो दिस इज़ अ स्लो एंड स्टेडी मूविंग स्टॉक. डिविडेंड अच्छा देती आई है शुरू से. आई मीन आई हैव शेयर होल्डर्स विथ मी जो ITC 20 साल से लेके बैठे हैं. करीब करीब 15,000 शेयर हैं एक मेरे हमारे एक प्रीमियम मेंबर के पास. एंड बिकॉज ITC पेज एवरी ईयर 10 रुपी डिविडेंड, तो उनको बैठे बैठे 15,000 शेयर हैं, तो 10 रुपी डिविडेंड के हिसाब से 1.5 लाख रुपया साल का सिर्फ डिविडेंड में कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से ITC अक्यूमुलेट किया हुआ था. सो नाउ ही डजंट सेल इट, ही इज़ मेकिंग 1.5 लाख एवरी ईयर ओनली थ्रू डिविडेंड्स. ऑफकोर्स उस पर डिविडेंड टैक्स वो भरेंगे, वो सब अलग बात है, लेकिन वो कमा रहे हैं. महीने का 10-12 हज़ार उनको डिविडेंड मिल रहा है. दैट्स अ बिग अंडरलाइंग पावर ऑफ डिविडेंड स्टॉक्स. थर्ड ऑप्शन, जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, हालांकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें इनहेरेंट रिस्क तो है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बट अगेन अपने सेक्टर में लीडर है.
ग्रो कर रही है, बुक वैल्यू 230 है और करंट प्राइस ऊपर आके 134 पे आया हुआ है. सो इट्स ऑलमोस्ट 0.5 0.6 प्राइस टू बुक पे चल रहा है. अंडर वैल्यूड स्टॉक है एंड वी हैव मेड अ डिटेल वीडियो ऑन वाई वी लाइक दिस स्टॉक. इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 7.5% है, आई मीन अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% आपको डिविडेंड इसमें मिल जाता है. नंबर्स इम्प्रूव कर रही है कंपनी, एवरी ईयर दे आर इम्प्रूविंग. अपने पर्टिकुलर टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन सेक्टर में लीडर है, लो पी स्टॉक है. एंड सबसे जो अच्छी बात इसकी है, इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सब सही है, लेकिन स्टॉक में परफॉर्मेंस अभी आना बाकी है. अंडर वैल्यूड इसलिए क्योंकि स्टॉक चला नहीं है उतना 10 साल से, तो अंडर परफॉर्मिंग रहा है. नाउ ऑल अदर मेट्रिक्स आर ओके अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक प्राइस. सो इसीलिए मुझे लगता है इसमें ग्रोथ आएगी. आप देखिए लास्ट 6 मंथ से, इनफैक्ट लास्ट 3 मंथ से ये 113 पे था. सो इट्स ग्रोइंग, आई मीन इट्स कंटिन्यूसली ट्राइंग टू बार्ज इन टू हायर ग्रोथ ट्रेजिक्ट्री. तो मेरा ओवरऑल माई पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो वॉज टू हाईलाइट दैट जब बैंक में पैसा पड़ा रहता है आपका कैपिटल ग्रो नहीं करता है, लेकिन जब आप सम अमाउंट ऑफ मनी, नॉट ऑल अमाउंट ऑफ मनी, इवन इफ सम अमाउंट ऑफ मनी जो आपके लिए इनसिग्निफिकेंट है, जो आपको लगता है कि यार ये तो बैंक में ही रखना चाहिए, अगर आप उसमें से कुछ अमाउंट डाइवेस्ट करें और यहाँ लगाएं, तो यहाँ पे कैपिटल भी ग्रो होगा अपने आप और हर साल स्टॉक आपको डिविडेंड भी देता रहेगा. एंड अगर आप लकी हैं, अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो स्टॉक का नंबर बढ़ गया, काउंट ऑफ शेयर्स बढ़ गए, तो डिविडेंड भी उस हिसाब से ज़्यादा मिल सकता है, जैसा ITC में हुआ. सो ITC ने लास्ट 20 साल में बहुत बार, इट हैज़ डन अ लॉट ऑफ बोनसेस एंड स्टॉक स्प्लिट्स. इसीलिए आज मेरे वो जो हमारे कलीग हैं जो प्रीमियम मेंबर हैं, उनके पास 15,000 शेयर हो गए. उन्होंने अप्लाई किया था तो 1,000 शेयर्स लिए थे, लेकिन आज होते 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 15,000 हो गए बिकॉज ऑफ बोनसेस एंड स्टॉक स्प्लिट्स. एंड इसीलिए डिविडेंड तो उतना ही है, 10 रुपया डिविडेंड साल का देती है ITC. इनफैक्ट अभी अगस्त में भी उनका एक मीडियम टर्म डिविडेंड क्रेडिट होने वाला है, समवेयर अराउंड इंडिपेंडेंस डे. तो आप देखेंगे कि डिविडेंड स्टॉक्स अगर मार्केट लीडर्स हों, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेसेस हों, इफ़ दे आर लीडर्स इन देयर बिजनेस, इफ़ दे हैव गुड मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड पे करने का, देन दैट्स अ वेरी गुड साइन एंड वेरी गुड पिक फॉर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉमेंट्स, फील फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन आ कॉमेंट सेक्शन. ऑल योर फीडबैक इज़ वेल अप्रिशिएटेड. आई विल ट्राई हमेशा की तरह कि आपके सारे कॉमेंट्स का मैं जवाब दे सकूँ. थैंक यू सो मच एंड एज ऑलवेज कीप प्रॉफिटिंग गाइज.